इवनिंग बेटा। चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपने मॉस के अंदर, या आप कह लीजिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, नया टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेन। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि स्ट्रेन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और किस तरह से ये फॉर्म होता है। तो स्ट्रेन का को बेटा हिंदी में बेसिकली विकृति बोलते हैं। विकृति का मतलब क्या है कि अगर मैं जनरली अपने भाषा में करूं तो आकृति और विकृति, यानी आकृति जो थी उसको भी आकृति में कर दिया गया है, यानी जो पहले जो आकृति थी उसको बदल करके उसको कोई दूसरी आकृति दी गई। ठीक है, अब दूसरी आकृति जब हमने उसको दी, आकृति का मतलब बेटा जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ऐसा समझेगा कि पहले कोई बॉडी थी, ठीक है ना, और हमने क्या किया उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको दूसरी शेप दे दी, या हमने क्या किया उसकी डायमेंशन में कुछ चेंज कर दी। डायमेंशन में चेंज का मतलब या तो हमने उसकी डायमेंशन में एलोंगेशन कर दिया, या उसके डायमेंशन में हमने क्या कर दिया कंप्रेशन कर दिया, यानी कमी कर दी या तो बढ़ा दिया। तो बेटा जो एक्चुअल शेप था मैंने उस पर फोर्स लगा के उसकी शेप को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, ठीक है ना। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी पहले थी अब ये इसमें विकृति आ गई है। आगे बात समझ में, विकृति किसको कहते हैं जरा फिर से इस चीज को समझिएगा बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगा करके अगर हम उसकी शेप में परिवर्तन कर दें, चेंज कर दें, आई बस हमें चाहे वो उसकी शेप बढ़ा दीजिए, कोई डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कुछ बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, जैसे उसका शेप चेंज होगा डायमेंशन उसकी चेंज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये जो आकृति है अब उसमें विकृति उत्पन्न हो चुकी है। अब उस विकृति की वैल्यू कितनी होती है उसको देखते हैं, जब ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है। स्ट्रेन क्या होता है पहले तो हम ये समझ गए। देखिए बेटा दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रेन क्या है। पहली बात तो स्ट्रेन आप सिंपल से बताइए कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा करके उसकी डायमेंशन में चेंज कर देते हैं तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है तो अब आइए उस चीज को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमने क्या लिया, ये एक रॉड ले ली, ध्यान से देखिएगा, जिसकी पहले की इनिशियल लंबाई स्मॉल m मीटर थी। हमने क्या किया इस पर एक्सियल टेंसाइल लोड लगा दिया, हमने इधर की तरफ F लोड लगा दिया और इधर की तरफ लगा दिया, और आप देख रहे होंगे तो ये पता चला होगा कि ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस हैं, लोडेड हैं। ये क्या कर रहे हैं इस रोड को बढ़ाएंगे। जब इस पर हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो ये इसकी शेप कुछ बाद में ऐसी हो गई। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले जो लेंथ ये थी मतलब L थी, अब इसमें क्या हो गया ये डेल L इसकी डायमेंशन बढ़ गई, जो पहले से एल थी अब वो डेल एल बढ़ गई। अब इसकी इनिशियल लेंथ क्या थी, एक्चुअल लेंथ जिसको बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ एल थी, और चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ कितना हो गया बेटा, तो वो हो गया बेटा चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चेंज हुआ उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे, यानी एल प्लस डेल एल माइनस L कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, तो L माइनस सॉरी प्लस डेल L माइनस L करेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचा डेल L। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोर्स अप्लाई करने के बाद इस रॉड की लेंथ में कितनी चेंजिंग आई तो वो आ गया बेटा डेल L, पहले L था अब वो डेल L बढ़ गया। तो अब यहां पर जो स्ट्रेन होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो स्ट्रेन का फार्मूला यहीं से जनरेट हो जाता है। स्ट्रेन इज इक्वल्स होता है बेटा, स्ट्रेन इज इक्वल्स चेंज इन लेंथ। देखिए बेटा अब एक बात आपको मैं बताता हूं, पहले तो मैं लिख लूं चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, लेकिन आप लोग खुद बताइए क्या ये जरूरी है कि हम जब भी किसी बॉडी का स्ट्रेन निकालना होगा तो हम उसकी लेंथ में चेंज करेंगे, नहीं ना भाई। ये तो हमने सिर्फ अपना एक एग्जांपल लिया, तो आप लोग कभी भी ये फार्मूला नहीं लिख सकते कि स्ट्रेन इज इक्वल्स चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल्स चेंज इन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन चाहे तो लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, या किसी चीज का वॉल्यूम हो सकता है, और अपॉन में एक्चुअल डायमेंशन लिखेंगे, लेकिन हमने लेंथ पर समझाया इसलिए हमने यहां पर लेंथ लिख दिया है। तो इसको स्ट्रेन को स्मॉल ई से दिखाते हैं बेटा, और इसकी चेंज इन लेंथ कितना हुआ है डेल एल,
हमने यहाँ डेल लिख दिया और एक्चुअल क्या था एल, तो ये बन गया बेटा हमारा स्ट्रेंथ। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन जब आपका वाइबा वाइबा होता है तो एग्जामिनर पूछ देता है कि बताइए कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी। तो चलिए जरा चेक कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी। भाई अगर ये लेंथ बड़ी है तो वो भी मीटर में बड़ी होगी, तो मैं मानता हूं कि ये एम मीटर बढ़ गई जो पहले से एल मीटर थी। तो अब जरा यहां पर रखता हूं, तो डेल एल मीटर अपॉन में एल मीटर, देखिए मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही स्टैंडर्ड हैं, एक ही तरह की क्वांटिटीज हैं, आई बस हमने, इसलिए स्ट्रेन यूनिट लेस होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। आगे बात समझ में बेटा? तो आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे की तरफ दूसरे टॉपिक पे बढ़ता हूं और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि ये जो स्ट्रेन है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। चलिए, आई होप कि बेटा आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेन में जो पहला स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग स्ट्रेन सीख चुके हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन कितने टाइप का होता है। तो हमको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब बोलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया, ये एक क्यूबॉइडल रॉड ले लिया, क्यूबॉइडल रॉड ले लिया ऐसे। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हमने क्या किया, इस पर एक एक्सियल फोर्स लगाया। और देखिए एक्सियल फोर्स मैं किधर लगा रहा हूं, इधर की तरफ F और इधर की तरफ भी F लगाया। और ये है इसकी लंबाई L, लेंथ L, ये B और ये इसकी डेप्थ है T मान लेता हूं मैं। अब मैंने ये जो F फोर्स लगाया है बेटा, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि F फोर्स जो है वो लेंथ की डायरेक्शन में लगा है। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो लेंथ में ज्यादा परिवर्तन होगा, ठीक है ना। यानी यहां पर इलॉन्गेशन किसका हो रहा है, लेंथ का। तो पहले ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी थी, एल मीटर, ध्यान से समझिएगा। अब जब फोर्स अप्लाई किया तो हो सकता है कि इसकी लेंथ डेल एल बढ़ गई। क्या बढ़ गई, लेंथ डेल एल बढ़ गई। अब इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। देखिए फोर्स लगने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। अब फोर्स लगने के बाद ये कितने की हो गई, एल प्लस डेल एल। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डेल एल बढ़ गया और क्या बढ़ा, लेंथ बढ़ा। तो इसीलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। देखिए हालांकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जब हम भी पढ़े थे तो लोग ऐसे ही पढ़ा दिए थे हमको भी हमारे टीचर्स, कि फोर्स लगाने से अगर लेंथ में परिवर्तन होता है, लेंथ में चेंज होती है, तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होता है। नहीं बेटा, ये गलत बात है, आप लोग इसको कभी फॉलो मत करिएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। वास्तव में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलेंगे बेटा, कि फोर्स की डायरेक्शन में अगर इलॉन्गेशन होता है तब वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होता है। देखिए फोर्स की डायरेक्शन उधर कह रही है और इलॉन्गेशन यानी इधर की डायरेक्शन में लगाया ना, किसकी, लेंथ की डायरेक्शन में लगाया है। किसकी डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगने से लेंथ में इलॉन्गेशन हुआ है, इसलिए यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हुआ है। इसलिए नहीं कि सिर्फ लेंथ में परिवर्तन हुआ है, नहीं, फोर्स की डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन में इलॉन्गेशन हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा स्ट्रेन पैदा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और फिर वही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को स्मॉल ई एल से नोट कर लेंगे और फार्मूला वही, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ यानी डेल एल अपॉन में एल। तो यही है बेटा हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ गया, मैं एक बार डिफिनेशन बोल देता हूं कि फोर्स अप्लाई करने से फोर्स की डायरेक्शन में अगर इलॉन्गेशन होता है तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है बेटा। आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं शियर स्ट्रेन पर और देखते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। चलिए बेटा अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है शियर स्ट्रेन। समझते हैं शियर स्ट्रेन कब पैदा होगा या शियर स्ट्रेन कब बोला जाएगा। तो हमने क्या लिया बेटा, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। हमने क्या किया, ये एक क्यूबॉइडल बॉडी का फ्रंट व्यू ले रहा हूं, ठीक है।
और उसके नीचे वाले सरफेस को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने एक बॉडी ली, उसके नीचे के सरफेस को क्या किया, फेविकोल लगा के चिपका दिया, और इसके सबसे ऊपरी वाले सरफेस पे हमने एफ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एफ स्पर्शीय बल लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अगर मैं इस बुक पर, बुक को ले लिया, अगर मैं इस पर ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, टेंजेंशियल का मतलब बिल्कुल इसको स्लाइड, तो देखिए ये इस लेयर को काटने की कोशिश कर रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसे इस चीज को समझना है। हमने एफ टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, जो पहले ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था हमारा, तो अब ये क्या होगा, जैसे ही हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे ये हमारी साइड कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हमारी इधर चली जाएगी और बी हमारा इधर की तरफ झुक जाएगा, यानी जो सी था वो सी डैश पे चलाएगा और जो डी था वो डी डैश पे चलाएगा। जब ये आएगा बेटा तो इनके बीच एक एंगल बन जाएगा जिसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ये हो गया फाई। अब यहां ये जो फाई है यही सियर स्ट्रेन है, यानी इस फाई को ही बोलते हैं बेटा क्या, सियर स्ट्रेन। और इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं चलिए जरा देखते हैं। मैं मान लेता हूं अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग जरा ट्राइंगल ए सी सी डैश में देखिए, इन ट्राइंगल ए सी सी डैश, अब आप लोग जरा बताइए कि tan phi इज इक्वल्स क्या होता है बेटा, tan phi इज इक्वल्स यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा इसके phi के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो cc डैश अपॉन में ac, a c, समझ में आया, यही हमारा क्या है सीआर स्ट्रेन की वैल्यू है। लेकिन जरा ध्यान देना बेटा, यहां क्या होगा कि यहां पर जो हमने लिख दिया ना cc डैश अपॉन में AC, या यहाँ फाई आपको बहुत बड़ा जो दिख रहा है, वास्तव में इतना नहीं होता है। जब आप लोग इसको, मैं कैसे समझा दूं, जैसे आप लोग देख जानते हैं, जब आप किसी ब्रिज पे जाओगे, पुल पे जाओगे, तो आप पुल पे जब खड़े रहते हो तो जब गाड़ियां जाती हैं तो पुल हिलता है, लेकिन जब हम उस पे होते हैं तब वो फील होता है, नीचे से देखने में नहीं पता चलता कि ये पुल, गाड़ी जा रही है तो पुल ऐसे ऐसे झूला झूल रहा है, नहीं, हम वो फील करते हैं, आई मीन बहुत कम डिफ्लेक्शन उसमें शो होता है। तो इसी तरह से बेटा जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे किसी मेटल पर, किसी बॉडी पर, तो सीयर तो होगा उसमें लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ टेन की जगह सीधे हम लोग फाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं फाई, और फाई क्या है फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सीयर स्ट्रेन है, और इस पूरे वैल्यू को हम लोग ईएस कर देते हैं, ईएस का मतलब क्या है सीयर स्ट्रेन, तो सीयर इज इक्वल टेन फाई भी लिख सकते हैं, लेकिन टेन बहुत छोटा होता है इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं सीधे फाई कर देते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सीयर स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी बॉडी के, एक बार डिफिनेशन में बता देता हूं, जब किसी बॉडी की निचली सरफेस को क्या कर देते हैं हम लोग फिक्स करके, सबसे टॉप सरफेस पर जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो उनकी लेयर क्या हो जाती है, अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा खिसक जाती है, यहां पर जो फिसलती है तो इनके बीच एक एंगल बनता है फाई, इसी फाई को हम लोग बोलते हैं क्या सीयर स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं tan phi इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपन बेस वाले फार्मूले से, लेकिन यहां पर सीयर बहुत कम होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं tan phi की जगह सिर्फ phi फॉलो करते हैं। आगे बसन में तो सीयर स्ट्रेन को हम लोग ES से दिखाएंगे और इसकी वैल्यू होती है tan phi या और phi। आप लोग इस टॉपिक को नोट करिए बेटा। अगले नंबर पर पढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। चलिए बेटा समझते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। अगला टाइप, आप वॉल्यूम स्ट्रेन में साफ साफ बोल रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेन कब पैदा होगा, जब कोई बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाएं या लोड लगाएं और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाए। होल ओवर मैंने लेंथ, विड्थ, हाइट की बात नहीं की, हमने कहा कि लोड अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में ही चेंजिंग आ गई, तो वहां पर कौन सा स्ट्रेन पैदा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब उसको कैसे समझेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। वास्तव में बेटा क्या है, हमने क्या किया, ये एक क्यूबॉइडल बॉडी ले ली, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया इधर से एक क्यूबॉइडल बॉडी ले ली, अब हमने इसकी इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, इधर P, P, Q, Q, R, R, हमने सभी डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में, विड्थ की डायरेक्शन में और डेप्थ की डायरेक्शन में हमने क्या किया एक्सियल टेंसाइल लोड लगा दिया। जब एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया तो हमने देखा कि जो पहले इसका वॉल्यूम V इज इक्वल्स एल बी एच था, इनिशियल वॉल्यूम,
टेंजेंशियल लोड लगने के बाद इसका जो वॉल्यूम हो गया बेटा वो v प्लस डेल v हो गया। डेल v का मतलब जो लेंथ पहले l थी वो डेल l हो गई, यानी l प्लस डेल l हो गया। समझ में आया? यानी अब जो पहले लेंथ थी वो l इज इक्वल्स एक्चुअल जो पहले थी, अब कितना हो गया l प्लस डेल l। तो अब वॉल्यूम इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, l प्लस डेल l इंटू बी प्लस डेल बी इंटू टी प्लस डेल टी। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो वॉल्यूम आएगा वो। लेकिन आप लोगों को इतना सब नहीं लिखना है बेटा, आप जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम आता है तो इतना नहीं पूछता है, सिंपल सा आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन करो या समझाओ। तो आप बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी पर लोड लगाने से उसके वॉल्यूम में अगर चेंजिंग आ जाती है तो वहां पर वॉल्यूम स्ट्रेन पैदा होता है। अब वो कैसे पैदा होता है तो आप एग्जांपल के तौर पर समझा सकते हैं टू द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमने एक बॉडी ली जिसकी लेंथ एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच लिया, हमने उसकी सभी डायरेक्शन में क्या किया एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया, तो उसका वॉल्यूम जो पहले वी था वो वी प्लस डेल वी हो गया। इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेन ईवी इज इक्वल्स डेल वी अपॉन में वी, ये होगा हमारा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बेटा और बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुक्स लॉ पे, कि हुक्स कौन थे, उन्होंने क्या हमें लॉ दिया और वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। तो आप लोग इसको जरा नोट करिए।